थोड़ी सी लगी हुई है पीछे से, तब और क्या चाहिए यार। ओवरऑल वेरी हैप्पी फ्रॉम टाटा यार। वेरिएंट पंच अकम्प्लिश्ड डीजल एसआर। हां जी सर, वेरिएंट काफी सारे आते हैं इसमें, तो काफी वेरिएंट निकाले ना 40 वाले। सबसे टॉप वेरिएंट होता है क्रिएटिव सर, वैसे हां इसी में ही ऑप्शन दे रखे हैं दो, एक तो दे रखा है विदाउट सनरूफ, एक विद सनरूफ सर। इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो सनरूफ के साथ, एक बिना सनरूफ के साथ, एक अलॉय के साथ। ये सनरूफ विद अलॉय होगा? विद अलॉय होगा ठीक है। ये सबसे तीसरा वेरिएंट होगा, मतलब ये अकॉम्प्लिश का टॉप मानू मैं, अकॉम्प्लिश का टॉप मॉडल। और इसके ऊपर सिर्फ क्रिएटिव आता है? क्रिएटिव आएगा। और ये है कितने के सर? ये यही वाला वेरिएंट की मैं बात करूँ तो 10 लाख की जाएगी सर। 10,01,000। हाँ जी सर, सही है। प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है आपका। जितने भी आप गाड़ियां देखोगे ना सर, इतना ही साइज आपको मिलेगा सनरूफ का, चाहे आप मारुति चाहे होंडा ही देख लो, कोई सी भी देख लो सर। कंपेयर इंडिया में टेस्ट ड्राइव व्हीकल को सुधारना पड़ेगा, ये गायब कर दिया आप लोगों ने। देखिए अब मत कहिएगा कस्टमर चलाते हैं, कस्टमर थोड़ा हो सर। देखिए यूज होता है सर, यूज में हमारे तो सर देखो टेस्ट ड्राइव वाले सेल्स वाले बहुत सारे होते हैं, ये इंप्रेशन बनाना पड़ता है ना यार। गाड़ी अच्छा यही आएगा ना, मतलब इस कलर में यही आएगा? बिल्कुल सेम सो। और व्हाइट कलर लेना चाहे तो भी यही मिलेगा इंटीरियर? कौन से वेरिएंट में? मतलब इसी में सेम। और क्रिएटिव में कैसा मिलेगा? थोड़ा ग्लॉसी मिलेगा? ग्लॉसी मिलेगा, कलर चेंज हो जाएगा सर, जैसे कलर के ऊपर डिपेंड करता है। आप ब्लू कलर लेते हो तो ये ब्लू कलर स्कीम होगा सर। आज जैसे एडवेंचर में आप जाते हो तो एडवेंचर में आप ब्लैक पहन आएंगे, सॉन्ग से वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हारमन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, साउंड क्वालिटी तो अच्छी है। अभी तो एफएम Android Auto ये सब भी है? Android Auto, Apple CarPlay, wireless है? Wireless है, wire के साथ। और ये क्या फास्ट चार्ज, ये है क्या wireless? नहीं सर, अभी तो आप ही का मुझे नहीं, मैंने कनेक्ट कर। एसी तो मुझे अच्छी लग रही है। पीछे पूरा तो बंद ठंडा कर दिया। कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं आप, इतना ऐड आ रहा है अभी तक? आ Spotify। और एक और चीज आप नोटिस किया होगा सर, आप फोन्स में भी बैठे थे कल, हाँ उसमें हैंडरेस्ट नहीं था, ये चीज भी हाँ ऑप्शनल होता है सर, चीज आप लगवा सकते हैं। ये चीज जो फ्लोर है ना फ्लैट नहीं था उसमें, वो बम्पी एरिया में बम्प थोड़ा रहेगा, और जो थर्ड पर्सन बैठेगा ना सर तो वो अनकंफर्टेबल होके बैठेगा, एक पैर इधर। इसके सफारी जैसी चाबी है पूरी सेम, बस थोड़ी सी छोटी लग रही है। नहीं सेम करीब है। बेस अच्छा है, चार्जिंग सॉकेट पीछे के लिए और आगे के लिए उधर। और आपके जैसे अभी क्या हो रहा है सर, अभी टाइप सी चार्जिंग सॉकेट आ रहे हैं उसके लिए। और ये एयर के लिए सर, ये एसी के कंट्रोल, ये ग्लव बॉक्स कूल आता है इसमें, क्रिएटिव वेरिएंट में आएगा सर, कूल आएगा ना? हां जी क्रिएटिव वेरिएंट। और टाटा है तो 5 स्टार होगी, ग्लोबल एंड कैप 5 स्टार रेटिंग। मैंने अभी तक मतलब गूगल करा है, क्रूज इन सब में है? नहीं सर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है सीएनजी, वो आपको वेरिएंट इसी सेम वेरिएंट में पेट्रोल में मिलेगा सर। अच्छा सेम वेरिएंट। अच्छा तो ये आपने जो प्राइस बताया सीएनजी का था या पेट्रोल का? पेट्रोल का ही बताया सर। अच्छा सीएनजी का अलग प्राइस होगा ना? सीएनजी का अलग रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा या घटेगा? 11,24,000 चला जाएगा, बढ़ेगा। बट एक सबसे अच्छी चीज ये अलग अलग हेडरेस्ट दिया है, क्योंकि ये कल फ्रॉन्क्स में मिसिंग थी। अरे लेकिन ये देखो ना, उसमें क्या होता है, एक ने रख लिया हाथ थोड़ा सा बाहर ही जाता है, दूसरा नहीं रख सकता। ये 11 लाख 10.5 लाख में यार ये चीज देनी चाहिए थी उसे भी। और सीट की हाइट एडजस्टेबल है, ये भी नहीं थी फ्रॉन्क्स में? नहीं, उधर भी होगी बस।
चलो चला के देखो। फिट एंड फिनिश तो खैर टाटा है, वो तो कोई लोड नहीं बट चलाते हैं। यार धूप बहुत बंदी कर दो इसको विद गाइडलाइन के साथ है। क्या आप लोग डीएल वेल नहीं मांगते हैं क्या सर? वो आपसे ओटीपी लिया था ना सर, अच्छा वो जरूरी होता है सर। क्या एवरेज क्या क्लेम करती है कंपनी इसमें सर? देखिए 20 की करती है, कस्टमर फीडबैक इसके इन सिटी में है 17-18 के बंपर टू बंपर। पेट्रोल पे सीएनजी? पेट्रोल पे सर। सीएनजी पे 26-27 की क्लेम है सर, 22-23 बहुत प्यार से देती है सर। यहाँ पेट्रोल में इसकी पावर जो जनरेट करी है 88 PS पावर जनरेट करी है सर, और वहीं सीएनजी पे ही ट्रांसफर कर दोगे तो वहाँ 73.5 करेगी। बंटी सीट तो मैं मानता हूँ चलो फ्रॉन्ग से ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट इसमें यार अभी तक एक भी रैटलिंग नॉइज नहीं है, देख रहे हो? हाँ खड़खड़ टाइप और नहीं, मतलब इजीली जा रही गड्ढों पे भी से, मतलब सस्पेंशन अच्छा है। 187 का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ अभी तो पावर देखते हैं इसमें कितने सीसी। 1200 सीसी एस्पिरेटेड इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड। नहीं सस्पेंशन से तो मैं खुश हूँ क्योंकि सबसे खराब है तो ऐसे ही गिर जाता हूँ मैं। दूसरे गियर से इसको मैं खींचूंगा, पेडल दबा दिया मैंने, पेट्रोल पे है ना ये? पेट्रोल जानी नहीं चाहिए लेकिन अबे जैसे इस्लामी हम लोग 195 लेके जाते हैं बट वो हार्डली एक मिनट के लिए, बट टॉप स्पीड के लिए कि इंस्टा पे वीडियो बन जाए बस, चलती वो 118-119 पे क्रूज पे ही है। और सर वैसे भी सिटी ड्राइव पे आप चलोगे ना तो इतना तो 100 भी नहीं पहुंच पाएगी, 70-80 भी नहीं पहुंच पाएगी। बेसिकली तो सिटी ड्राइव के लिए ही देख रहा हूं मैं। फिर लेना हो गुड़गांव पे तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा आपको, और रेंट एग्रीमेंट, ऑनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल चीज आपको नोटिस करिए। जब आप स्पीड पे चल रहे हैं तो स्टीयरिंग हार्ड रहता है सर। हाँ ये तो है, ई पास स्टीयरिंग बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, ये पोलो में आता है सर। नहीं गाड़ी स्टेबल है और पता नहीं क्यों मुझे बैठने में बंटी ना फ्रॉन्ट से हाइट अच्छी है ना जी, और इसका बोनेट दिख रहा है जैसे स्कॉर्पियो का दिखता है। फ्रॉन्ट्स मैंने देख लिया तुम्हारा, वो नीचे सीट है, नीचे है सर। हाँ जो स्टेबिलिटी और मतलब फ्रॉन्ग तो 5 स्टार नहीं थी, ये 5 स्टार भी है। मुझे पता है कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो तो सर आप ठीक चल रहे, दूसरा नहीं ठीक चल रहा, वही है ना, वो भी इंडिया में तो ये तो आम बात है। 90% एक्सीडेंट, और आज के टाइम पे तो वीडियो भी ऐसी आती है गाड़ी खड़ी है कोई ठोक जाता है, और वीडियो तो ऐसी देख लो तो आपको लगेगा अपनी गाड़ी निकालो ही मत रोड पे। इनका देखिए ये तो लड़ ही चुके हैं, तुम तो लड़ ही रहे होंगे मेरे लिए नहीं। हाँ भाई मैं बोला था तुम्हारे लिए थार सनरूफ लेते हैं ना सर, थोड़ा सा और मिलेगा एड, अच्छा बट फिर भी बहुत मिनिमलिस्टिक मिलेगा, ये चीज का पोर्शन नहीं आएगा। नी रूम तो है ठीक ठाक है, और पीछे एसी वेंट नहीं है सर, वैसे पीछे एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं है, नहीं है, कूलिंग कर रही है, गाड़ी लंबी भी नहीं है ना तो एसी कर दे रही है और अच्छा चल भी रहा है। इसमें 1 लीटर की बोतल आ जाती है पीछे, हाँ इसमें आ जाएगी बीच में। पेट्रोल में आप लेते हैं तो जैसे आप अभी चला के तीसरे चौथे से न्यूट्रल किया तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी 42 सेकंड तक सर, ऑटो होल्ड जैसे कुछ। हाँ जी सर,
जैसे उसमें स्मार्ट हाइब्रिड बोलते हैं मारुति में, वही चीज़ आइडल स्टार्ट स्टॉप है सर, 40 से 42 सेकंड ऑफ रहेगी गाड़ी, जैसे ही ग्रीन हुआ आपने क्लच दबाया गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, या 42 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक स्टार्ट। अच्छा, अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी सर, या उसके बीच में आपने करा क्लच दबाना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक स्टार्ट। पीछे की सीट्स कंफर्टेबल हैं बट बीच वाले को दिक्कत होनी है, जनरली बीच वाले की दिक्कत होती है यार गाड़ी में। बाकी फिट एंड फिनिश इज क्वाइट नाइस, मतलब प्राइस पॉइंट को देखते हुए तो अच्छी है यार। सो कैमरा इज, कैमरा दे दिया यही कहाँ का मैं 10 लाख में, फ्रॉन्ग से कैमरा कहाँ था। सो बिग थम्स अप टू टाटा। थोड़ी सी लगी हुई है पीछे से, कितने तो 209 का बूट स्पेस मिलेगा सर। ओके, और यही CNG नहीं होती तो ये जगह नहीं हो जाती, वो नीचे हो जाती है। हाँ। और 387 लीटर का सर। कलर तो ये प्यारा लगता है इसका, नो डाउट। क्रिएटिव में जाएंगे तो सारे कलर। अच्छा, सेंसर भी है इसमें, नाइस यार, बंटी सेंसर दिया भाई 10 लाख रुपए में। टाटा तो दिल खुश कर रहा है भाई, बस एक मेजर कंसर्न है आप लोगों की सर्विस सब में, अब वो भी नहीं आपके डीलर पे डिपेंड करती होगी। ये भी दे रहे हैं कि एसेसरी का पार्ट है? नहीं नहीं सर, ये देते हैं सर। भाई कंपनियों ने सुन लिया है भाई, जर्मन ब्रांड्स को देने लगे हैं। और नीचे शीट नहीं है, हुड शीट है, इसमें भी टर्बो ये सब ऑप्शन आते हैं? नहीं सर, इसमें टर्बो ऑप्शन नहीं। फॉग लैंप सब लगा ही आएगा। तो गाइस मतलब ट्रूली अमेस्ट कि फॉग लैम्प भी कंपनी दे रही है 10 लाख में, मतलब और क्या चाहिए यार। हाँ, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, आपका ये वेल, ये सेंसर वाला, और ये ओपन क्रिएटिव में आप देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक फोल्डिंग। हाँ, वेलकम जेस्चर नहीं ना, वेलकम जेस्चर के साथ आएगा। क्रॉन से बेटर रहेगी क्योंकि उसको, मतलब यार कहीं से, मुझे लग रहा है मोस्टली चीज़ें बाहर से कहीं जरूरत ही नहीं है, सब कुछ दे रखा है कंपनी, फॉग लैम्प सब दे रखा है। ओवरऑल वेरी हैप्पी फ्रॉम टाटा यार, और को ड्राइवर साइड सेंसर नहीं है, अलॉय व्हील्स भी अच्छे हैं। कितने इंच है टायर इसके? 196R16। स्टेपनी कितने की है? 15R15। सो नाइस व्हीकल टू ड्राइव। तो गाड़ी अभी लॉक कर दी है मैंने, अनलॉक हो गई, नाइस। जिसको अंदाजे पे नहीं चलानी वो चला सकता है इजीली, ये फीचर्स उससे ज्यादा है। ये तो है, कंफर्टेबल हमें फ्रॉन्ग ज्यादा लगी थी, बट मेरे हाइट के हिसाब से पंच नहीं है। 5-6, 5-8 लोगों के लिए सही है। तो बाई करने लायक है, सेफ्टी में तो 5 स्टार है ही है, सेफ्टी का इशू है ही नहीं, फीचर भी भर भर के दे रहे हैं। इंजन भी अच्छा था इसका, फ्रॉन्ग से जो टाइम ले रहा था इसमें ऐसा कुछ नहीं था। वैसे ये मैनुअल थी तो कंपेयर नहीं है, ले सकते हो अगर किसी को चाहिए तो। तो भाइयों ये था पंच का रिव्यू, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मतलब 10 लाख रुपए में इतना सब कुछ देना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ब्रांड, एंड कहीं ना कहीं हमने टाटा को अंडर एस्टिमेट कर रखा है, बट टाटा कंपटीशन ले जा रहा है। सिंपल रीजन है, 10 लाख 12 हजार की इससे टॉप मॉडल लो, सनरूफ छोड़ो। तो अगर ये 10-1 की थी तो और 10-12 दो और सनरूफ हटा दो, जिसके लिए सनरूफ बहुत जरूरी नहीं है, तो तुम्हारा वेलकम जेस्चर बढ़ जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर है ही ऑलरेडी, रियर वाइपर आ जाएगा, डिफॉगर आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट फिर भी ये जो वेरिएंट हमने देखा था वो वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली था यार, मतलब डेफिनेटली जिसको बस चलना है, बहुत ज़्यादा कार एंथुजियास्ट नहीं है उसके, तो बहुत अच्छी व्हीकल है, और है भी तो भी वो व्हीकल बहुत अच्छा है। सो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये व्हीकल आपको लेना चाहिए। और अगर हमसे पूछोगे कि फ्रॉन्ग्स और टाटा पंच में क्या लें, मैं पर्सनली बोलूँगा टाटा पंच लो, रीज़न बींग पहली चीज़ सेफ्टी, दे क्लेम इट, फ्रॉन्ग्स ने अभी तक क्लेम नहीं करा है। दूसरी चीज़ भर भर के फीचर है। और दिस वॉज इट फॉर इट टुडे गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय श्री राम, बाय बाय।